दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दबा दें इस बेल के आइकन को ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटी गुरु यूट्यूब चैनल की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 4 के बारे में कि भाई Redmi Note 4 को कब अपडेट आएगा, क्योंकि एक अपडेट आया अभी तक, उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आया Redmi Note 4 के लिए। साथ ही बताऊंगा Redmi Note 5 Pro में Android Pie कब आएगा, और दोस्तों एक और चीज़ मज़ेदार बताऊंगा आपको कि Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 4 के बीच में Xiaomi Redmi Note 4 के साथ क्या गलत कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक तो आप वीडियोज़ देखने में बिजी हो जाते हैं, बाद में सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और दोस्तों जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो यार मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और फिर मैं और अच्छे से अच्छा वीडियोस लाने की आपके लिए कोशिश करता हूं। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको दे सकूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबको पता है कि रेडमी है, जो Xiaomi है, एक से या दो अपडेट, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही अपडेट देता है हर रेडमी फ़ोन को। जैसे मान लीजिए कोई ओरियो में आया तो उसको पाई मिलेगा, बस उसके अलावा उसको अपडेट नहीं मिलेगा। अब आप देख सकते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अब आप देख सकते हैं Redmi Note 4 को जो है ये लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड मार्शमेलो के साथ, 6.0 के साथ ये लॉन्च हुआ था दोस्तों, और अपग्रेडेबल था नौगढ़ तक, मतलब इसको नौगढ़ आएगा उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आएगा। ठीक है, ठीक वही हुआ, Redmi Note 5 को अभी ओरियो नहीं मिला है। अब दोस्तों हम बात करते हैं Redmi Note 5 Pro के बारे में। दोस्तों Redmi Note 5 Pro जब लॉन्च हुआ था तो दोस्तों ये लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड नौगट के साथ, 7.1 के साथ दोस्तों ये लॉन्च हुआ था, और यहाँ पे लिखा है अपग्रेडेबल टू 8.1, मतलब ओरियो आएगा इसके बाद इसमें कोई अपडेट नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों फरवरी फर्स्ट या सेकंड वीक में Redmi Note 5 Pro को एंड्रॉयड पाई का अपडेट मिलने वाला है। तो दोस्तों नौगट, ओरियो और फिर पाई तीसरा अपडेट है Redmi Note 5 Pro को, और भी बहुत सारे अपडेट मिले हैं Redmi Note 5 Pro को, मतलब काफ़ी सारे नए फीचर्स मिले हैं, लेकिन यहाँ पर Redmi Note 4 को कुछ भी नहीं मिला है, नौगट तक सीमित है, रेगुलर अपडेट भी यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं Redmi Note 4 को। तो दोस्तों तो ये यहाँ पर बहुत गलत हो रहा है Redmi Note 4 यूज़र्स के साथ, क्योंकि भाई जितना Redmi Note 5 Pro सेल हुआ है उससे ज़्यादा सेल हुआ था Redmi Note 4। और दोस्तों ये था वो टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। अब मैं बताता हूँ कि Redmi Note 4 में अगला अपडेट कब आएगा। तो जो नेक्स्ट अपडेट होगा दोस्तों वो होगा 10.2.2.0, और दोस्तों ये जो अपडेट है बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि जो चाइना में है इसको रिलीज़ कर दिया गया है, और एक या दो वीक बाद इसको ग्लोबली भी लॉन्च कर दिया जाएगा, सभी डिवाइसेस के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों चेंज लॉग आप इसका देख सकते हैं, सिस्टम बग फिक्सेस एंड इम्प्रूवल स्टेबिलिटी, भाई बग्स तो ज़रूर फिक्स करना, ये हमेशा कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। बैटरी का इशू बहुत ज़्यादा दोस्तों देखने को मिल रहा है मुझे, और कैमरा में भी कुछ इन्होंने इशू था वो जो फिक्स किया है, इशू विद ग्रिड लाइन इन फुल स्क्रीन मोड, तो ऐसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। अगर आपको देखने को मिला तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद जो है होम स्क्रीन शॉर्टकट ऑप्शन आपको मिलेगा, अपडेटर में कोई फ़ायदा नहीं है इसका। रिकॉर्डर में कुछ दिक्कत थी कि जो स्टेटस था जब हम पॉज करते थे वीडियो को रिकॉर्डिंग के दौरान, और जो स्टेटस था वो शो नहीं करता था, तो उसे यहाँ पे फिक्स किया गया है। तो दोस्तों ये जो अपडेट है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, जब भी अपडेट आएगा दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। जैसे ही वीडियो आएगा, सॉरी जैसे ही अपडेट आएगा, मैं आप सबके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा न्यूज़ अपडेट आप सबके लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।